For the latest update, press the subscribe button and hit the bell icon. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद हाशिम है और बाय प्रोफेशन मैं एक फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। मैंने किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी म्यू हॉस्पिटल से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है और अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से कंप्लीट की है और करंटली मैं एज असिस्टेंट प्रोफेसर क्लिनिकल इंचार्ज रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में काम कर रहा हूँ और फिजियोलॉजिक फिजियोथेरेपी क्लिनिक में इवनिंग में एज कंसल्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट बैठता हूँ। मेरा एक्सपीरियंस स्पेशली स्पोर्ट्स इंजरी से रिलेटेड है, जिसमें मैंने लास्ट 8 ईयर्स पाकिस्तान नेशनल रग्बी टीम के साथ एज ए स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट काम किया है। स्पोर्ट्स इंजरीज एक बहुत बड़ा शोबा है जिसमें खिलाड़ी हमेशा से खेल के साथ मुंसलिक रहता है, तो उसको ज़िंदगी में कभी ना कभी किसी चोट और इंजरी का सामना हो जाता है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं जितने भी खिलाड़ी हैं उनको स्पोर्ट्स इंजरीज के बारे में अवेयर करूँ। आज हम बात करेंगे स्पोर्ट्स इंजरीज़ के बारे में, खिलाड़ियों को चोट कैसे लगती है और क्यों लगती है। ज़िंदगी में जब खिलाड़ी खेल के अंदर कदम रखता है तो उसको कभी ना कभी किसी ना किसी चोट का सामना करना पड़ता है और उसको ऐसा लगता है कि शायद उसका करियर ख़त्म हो जाएगा। ऐसा नहीं होता, हमारा पूरा जिस्म का कोई भी हिस्सा चोट में मुब्तला हो सकता है, उसको इंजरी हो सकती है। अगर हम बात करें ऐसे खेलों की जिसमें आमतौर पर आपको ज़्यादा भागना पड़ता है, जिस तरह फुटबॉल है, रग्बी है, हॉकी है, और जिसमें और अगर मैं और बात करूं तो रग्बी भी है जिसमें आपको आकर हिट किया जाता है, तो इसमें अमूमन हमारे चेस्ट और लेग्स, हिप, नी, एंकल, यानी कि जिसमें हमारे कूल्हे हैं, घुटने हैं और पाँव हैं, ये ज़्यादा इंजर होने के चांसेस होते हैं। और अगर हम उन खेलों की बात करें जिसके अंदर हमारे कंधे और बाजू ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, जिस तरह बॉलिंग करवाते वक्त क्रिकेट में, उसके अलावा बैडमिंटन है, टेनिस है, लॉन टेनिस है, स्क्वाश है, इस तरह के खेल के अंदर चांसेस होते हैं कि आपके बाजुओं की इंजरीज, जिसमें आपके कंधे आ जाते हैं, कोनी आ जाती हैं, आपकी कलाइयाँ आ जाती हैं, इसकी इंजरीज होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो अब खिलाड़ियों के अंदर जब खेलते हैं तो किसी भी तरह की चोट लग सकती है। जब खिलाड़ियों को चोट लगती है तो सबसे पहले उनको दर्द होती है उस जगह पर, जो भी एरिया उनको मुतासर होता है, इस तरह घुटने की दर्द होती है, पाँव की दर्द होती है, कूल्हे की दर्द होती है, इस तरह बैक पेन, इस तरह कमर की दर्द होती है, तो उसमें फिर खिलाड़ी की जो गेम होती है वो मुतासर होती है और खिलाड़ी खेल नहीं सकता। उसके अलावा पेशेंट्स को ये प्रॉब्लम होती है, जिस तरह मैंने बताया कि घुटने में दर्द होती है, तो अमूमन खिलाड़ी ये भी कहते हैं कि डॉक्टर साहब मैं चल लेता हूँ, मैं अपने काम कर लेता हूँ, मैं गेम खेल लेता हूँ, लेकिन किसी एक एंगल में मुझे दर्द होती है, मुझसे उस एंगल में वो एक्टिविटी नहीं की जाती। उसके अलावा जोड़ों में से आवाज़ आती है या पट्ठों में अकड़ाव बढ़ जाता है या उनकी कोई एक मूवमेंट जो वो पहले कर सकते थे वो नहीं कर सकते, तो इस तरह की मुख्तलिफ सिम्टम्स या मुख्तलिफ अलामात पेशेंट हमें आगे बताता है जो कि स्पोर्ट्स इंजरीज के अंदर हमें अमूमन मिलते हैं। अच्छा, अब ये प्रॉब्लम्स क्यों होती हैं अगर हम उनके ऊपर आते हैं, तो अगर हम किसी एक खेल की बात कर लें, जिस तरह हम क्रिकेट की बात कर लें, क्रिकेट में हम बॉलिंग की बात करें जो फास्ट बॉलर्स होते हैं, अब हमें ऐसा लगता है कि फास्ट बॉलर्स के अंदर सिर्फ कंधे का या बाजू का मसला हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। खिलाड़ी जब बॉलिंग कराता है और जंप करता है तो पूरा जिस्म उसका जंप करते वक्त इन्वॉल्व होता है, उसमें उसके अब पाँव भी मुड़ सकता है, घुटने की चोट भी आ सकती है, इवन कमर की चोट भी आ सकती है, तो खिलाड़ी को चाहिए कि वो जब इस तरह की कोई इंजरी होती है तो वो उसको इजी मत ले और प्रॉपरली अपने आप को असेसमेंट के लिए फिजियोथेरेपिस्ट के पास लेकर जाए और स्पेशली स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट के पास, ताकि उसकी इंजरी की तशखीस की जा सके। क्योंकि इंजरी अगर हम किसी एरिया की बात करें, अगर मैं घुटने की बात करूं, तो घुटने के अंदर ऐसी दर्द भी हो सकती है जिसमें सिर्फ एक पट्ठे का मसला हो, मसल इंजरी हो, ऐसी दर्द भी हो सकती है जिसके अंदर उसके जोड़ के अंदर हमारे लिगामेंट्स होते हैं जिसको हम रस्सियां बोलते हैं, वो रस्सियां टूट भी सकती हैं या वो रस्सियां कुछ दर्जे तक डैमेज हो सकती हैं। उसके अलावा अगर हम घुटने की बात करें तो घुटने के अंदर हमारे रबड़ होते हैं जिसको मेनिस्कस बोलते हैं, वो भी डैमेज हो सकते हैं, तो
खिलाड़ी को खुद से तो नहीं पता होता कि उसके घुटने में क्या मसला है या उस एरिया में क्या प्रॉब्लम है, लेकिन अगर आप इसकी तशखीस करवा लें और आपको पता लग जाए तो आपको उस वक्त बता दिया जाता है कि ये किस नौयत की चोट है, आपने इसको किस तरीके से मैनेज करना है और आपने कितने अर्से बाद ग्राउंड में जाकर उसी पेस पर खेलना है जिस तरह पहले खेला करते थे। खिलाड़ी को जब चोट लगती है तो किसी भी नौयत की लग सकती है और उसकी काफ़ी वजूहत होती हैं, जिसमें अगर खिलाड़ी नया नया मैदान में उतरता है तो उसको टेक्निक के बारे में नहीं पता होता कि किस तरीके से खेलना है। उसके अलावा अगर उसकी मस्कुलर वीकनेस है, उस खेल की डिमांड बहुत ज़्यादा है और उसका जिसम उसके लिए तैयार नहीं है, उस वजह से भी उसको चोट लगने के चांसेस होते हैं। उसके अलावा कुछ ऐसी गेम्स जिसके अंदर उसने तेज़ भागना होता है तो उसके लिए ज़रूरी है कि उसकी जिस जगह पर उसने भागना है और उसके जॉगर्स जो चीज़ उसने पहननी है वो बड़ी ज़रूरी है। और उसके अलावा टेक्निकली देखा जाए तो जो कोच आपको कोचिंग टिप्स देता है, अगर खिलाड़ी उसके ऊपर प्रॉपरली अमल नहीं करता तो उसमें भी काफ़ी चांसेस होते हैं। तो ये कुछ बेसिक वजूहत होती हैं जिसकी बिना पर आपको इंजरी लगने के चांसेस होते हैं। अदरवाइज जब आप मैदान में उतर जाते हैं तो चोट की नौयत किसी भी तरह की हो सकती है और किसी भी तरह की चोट आपको लग सकती है, उससे आप नहीं बच सकते। लेकिन ज़रूरी ये है कि जिन जिन चीज़ों के बारे में अभी मैंने बताया है, इन इन चीज़ों को बेहतर से बेहतर किया जाए ताकि आपको चोट लगने के चांसेस कम से कम हों। अगर एक खिलाड़ी को चोट लग जाती है तो उसको एक स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना चाहिए। एक स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट आपकी उस चोट के बारे में, उस इंजरी के बारे में फुल मालूमात रखता है कि आपको सबसे पहले वो देखेगा, आपसे पूछेगा कि आपको ये चोट किस तरीके से लगी, आप कौन सी गेम खेलते हैं, आप किस पोजीशन पे खेलते हैं, आपको वो चोट लगी तो उसके बाद आपने क्या किया। तो ये तमाम की तमाम मालूमात आपसे आपका स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट लेगा। उसके बाद स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट आपकी असेसमेंट करेगा जिसमें वो आपको बताएगा कि आपको अगर इंजरी है तो किस नौयत की इंजरी है, क्या एज ए स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट फिजियोथेरेपी के जरिए आपका इलाज हो सकता है, या आपकी कोई ऐसी इंजरी है जिसमें आपकी आपका कोई स्ट्रक्चर डैमेज हो गया है, यानी कि कोई साफ, जिस तरह अगर घुटने की बात करें तो घुटने की ऐसी इंजरीज जिसके अंदर रस्सी टूट जाती है तो उसके अंदर सर्जरी रिक्वायर्ड होती है। सर्जरी करवाने के बाद भी पेशेंट को फिजियोथेरेपी करवानी पड़ती है और ये तकरीबन 9 महीने से 12 महीने तक का अमल होता है। तो एक इंजर्ड एथलीट को, एक जिस खिलाड़ी को चोट लग गई है, उसको फिजियोथेरेपिस्ट के पास आना चाहिए और उसको अपने मसले के बारे में बताना चाहिए और उसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन लेनी चाहिए कि ये कितने अर्से में बेहतर होगा, किस तरीके से बेहतर होगा, कितने अर्से बाद उसने ग्राउंड में जाकर उसी पेस पर वापस खेलना है जिस तरह वो खेलना चाहता है, और उसके लिए कहाँ से स्टार्ट होना है और कहाँ ख़त्म होना है। उसके अलावा एक खिलाड़ी को जब चोट लगती है तो मैं एडवाइस करूँगा कि इसको एक तरह से अपनी खुशकिस्मती भी समझें, क्योंकि उस चोट के लगने के बाद आप अपने जिस्म के बारे में बहुत कुछ सीखते हैं। अगर एक खिलाड़ी अपनी एक इंजरी को रिहैबिलिटेट कर लेता है तो उसको पता लग जाता है कि अगर खुदा खास्ता आइंदा उसको चोट लगेगी तो उसने किस तरीके से उस चोट को बेहतर करने के लिए एक्सरसाइजेस करनी है। तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा, सजेस्ट करूँगा कि अगर आप लोग चाहते हैं कि आप एक अपनी इंजरी के बारे में इंफॉर्मेशन लें और इंजरी को ख़त्म करें और दोबारा ग्राउंड में आकर उसी तरीके से खेलें जिस तरह पहले खेला करते थे, तो ज़रूर एक स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट से रब्ता करें। स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट आपको आपकी इंजरी के बारे में बताएगा और आई विश कि आप उसी पेस में दोबारा ग्राउंड में आकर खेलें जिस तरह आप कभी पहले खेला करते थे।